पानीपत के गांव बिंझल में तीन बच्चे मंगलवार को अपने साथियों के साथ देर शाम खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे, मगर वे लापता हो गए। देर रात तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाया तो पुलिस को सूचित किया गया। आज सुबह तीनों बच्चे रजवाहे में मृत पाए गए। बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण भारी संख्या में आज सुबह पानीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंचे। भारी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी को देखते हुए महिला पुलिस व पुलिस की टीम भी भारी संख्या में सामान्य अस्पताल में तैनात की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इन तीन बच्चों के साथ अन्य तीन बच्चे भी खेलने गए थे और पतंग उड़ाने के लिए, डोर लेने के लिए, धागा लेने ये तीनों बच्चे पास के ही एक डाई हाउस में गए थे। डाई हाउस में मौजूद व्यक्ति ने उन्हें धमकाया था। ग्रामीणों का आरोप है कि डाई हाउस में मौजूद लोगों ने ही तीनों बच्चों को जान से मारकर डेड बॉडीज को रजवाहे में फेंका है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बच्चों की मौत हादसे से हुई है या उन्हें मारकर रजवाहे में फेंका गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल परिजनों के बयानों के आधार पर इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। मान मुर्दा उन पकड़वान देखो ना, हमने जी सिर्फ ये इंसाफ जी है जिन हमारे ना वो हड़प पाने चाहिए, हमारे सामने दिखा दो बनिया भी और जो फैक्ट्री का मालिक है जिन कत्ल करे हुए भी और केमिकल की ओ जी में तो काट गए हमें और जो आई में डाली है जिमें चल बाढ़ ना हुआ ना बाढ़ जी उनके शरीर पर कम्बल नहीं पावर है। किस समय का मामला है ये जी? मत हाँ जी मामला बाढ़ जी खेलन चले आ जा रहे। कितने बजे का मामला है ये? मामला जी 6 बजे का, 3 बजे वो घर से गए थे जी खेलन कूदने जावा जी रेस रास मारने छोटे बच्चे और वो जी आपस में आंधे हुए खेल देखा दे और उन्हें पतंग उड़ान की डोर नहीं बोल रहे जिसने जी वो गिट्टी पिट्टी पा जा रोड पड़ी वो ठा लेने हुए बच्चे और उसके मामले में तीन तो बार नमन बाज गए जी वो तीन बाइक वो वहीं फंस गए और वो ले जाकर उड़ा मार के गिरे जी। तीनों जैसे घर से गायब थे तो उन्हें ढूंढने को सिर्फ परिवार वाला नकल की बात है। कल तो बैरबाल की शायद तो बैरबाल तो ये पता लगा कि ये 6 बच्चे खेलने गए थे तीन की बजाय। जो तीन खेलने वाले बच्चे उन्होंने बताया तो कहीं ना कहीं जो उनकी बॉडी देख के लग रहा है तो परिवार को लग रहा है, हमें भी देखने लग रहा है भाई उसको मर रहा है, उनके खून मुँह से झागा रहे हैं। अगर डूबने से मौत हुई तो पेट में पानी या फिर वो जैसे बताएगा भाई नहर से निकालने हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया भाई जांच करेंगे, जो जो मुजरिम होगा उसने गिरफ्तार करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। देखो पुलिस पूरा आश्वासन दे रही है और लग भी रहा है कि भाई ये कार्रवाई करेंगे तो ले भी जाएंगे। पुलिस के जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं सर? काफ़ी हद तक तो संतुष्ट हैं। DSP साहब अच्छे अधिकारी आए हैं, जो संदीप जी बोल रहे हैं और भी अधिकारी आए हुए हैं, सुनील जी हैं सचो, तो लग रहा है वो कार्रवाई करेंगे। वो करें जिसका नाम देंगे उसको एड ऑन करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आगे जाँच होगी। जो दोषी होंगे उनको चार्जशीट क्या देगा? बच्चे तागे तुगे लेन गए होंगे जी खेलन खातर पतंग उड़ाने के लिए, और तो 6 बच्चे थे, तीन तो भाज आए घर ने, वो तीन उड़े रह गए काम ठाक ले आओगे तागा पतंग उड़ाने के लिए, तो जी उड़े अपना ये रखो तो मार कर तजाब की सौदी में दाग दिए। सारी रात सारा काम निकला हुआ था कि तीन पाए फिर वो सौदी के पास से काट कर 4 बजे बाहर निकाल कर घेर दिए हैं। जब वो ले आए हैं जी उन्ना जी किसी ने हमारे गांव में पूछी नहीं आ करना किसी ने कहा कि भाई तेरे बच्चे की था कितना बता जी हम क्या करेंगे, हमारे तीन तीन चार चार बच्चे मर गए हम कित जाएंगे हाँ बताओ जी आप नो बताओ क्या करना हमने, चाहे तो सारा पाई फेर दो जी ना तो एक नहीं रहेगा। ये कल हमारे 6 बच्चे थे कुल, 6 बच्चे घूमने के लिए जो है ना रोड पर गए हुए थे रजबाही की तरफ जी। उसमें जो है एक दो आदमी है जिसमें नाम मुझे शायद ध्यान नहीं है, उसने उनमें से एक बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। जब पीटना शुरू किया 3 बच्चे तो भाग गए और वो 3 बच्चे रह गए ठीक है जी। और रहने के बाद जो है वो 3 बच्चे जो गांव में आए उन्होंने घर जाके बताया कैसे ऐसे वारदात हो गई है। बाद में ये लोग गए वहाँ पर, इन्होंने वहाँ उसमें डाई हाउस में जाके पता किया भाई हमारे बच्चों का पता लग गया है, तुमने वहाँ पिटा है उनको, वो बच्चे कहाँ हैं हमारे बच्चे? तो वो कह ले वो तो हमने छोड़ दिए। और उसके बाद फिर इन लोगों ने रिपोर्ट करी वहाँ इनके बारे में। जब रिपोर्टिंग हुई पुलिस स्टेशन में इन्होंने रिपोर्ट की तो पुलिस स्टेशन के अंदर जो है उन्होंने नाम तक बताए
दो तीन बच्चे जो थे उन्होंने बताया कि फलाना आदमी था, इस टाइप का आदमी था, और उसने जो है ना मारना पीटना शुरू किया था। हम तो भाग गए और वो तीन बच्चे वहाँ रह गए थे। ठीक है, तो ये सारा बताने के बाद जो है फिर रजभाई की बात आई, किसी ने कहा भाई वो उसमें डाल दिए हैं रजभाई में, तो फिर रजभाई में लोगों ने उसको रजभाई को बंद कराया, और बंद कराने के बाद जो है फिर उसमें तलाशी शुरू हुई। रात को ही बारिश में ही हमारे लोग गरीब आदमी उसमें रजभाई में गए, और वो ये एक कतार सी बना के और रजभाई में जब गया, रजभा बंद करा दिया था, पानी बंद हो गया था, और उसमें वो डेड बॉडी बिल्कुल डेड है, उसके साथ में तीनों बॉडीज मिलती हैं, कपड़े पहने हुए थे बच्चे, और ऐसा प्रतीत होता है उनको पहले डाई हाउस में मारा गया, और मारने के बाद उनको केमिकल का जो होद होता है ना उसमें डाल दिया गया था, और जब रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्ट के बाद उनको उसमें डाला गया रजभाई में। अगर बहुत पहले उनको डाल दिया होता तो वो बह जाते, बहुत आगे जाते, बिल्कुल साथ में डाई हाउस के बिल्कुल साथ में, मेरे ख्याल में 10 फुट का होगा बस डाई हाउस का, सड़क ही है बीच में उसमें रजभाई की बस, तो उनको हाउस के पास ही रजभाई है, बिल्कुल साथ, ये डाई हाउस है, ये रजभाई की वो पटड़ी है और ये रजभाया है, और इधर डाई हाउस मार दिया, उसमें होद में डाल दिया, केमिकल में वो सड़ते रहे, उनके मुंह से झाग आ रहा था बाद में जब वो देखी बॉडी को, और फिर उसमें डाल दिया उन्होंने, और डालने के बाद फिर जो जब वो बॉडी तलाश हुई, जब देखा गया मुँह में झाग आ रहा था, कंबल में लपेट रखा था बच्चे को, एक बच्चे को, और सारे कपड़े यूं के यूं उनके फटे हुए थे, कपड़े पहने हुए डेड हालत में जो है ना, वो टाइम हाउस किसका था और उसके पीछे क्या मंशा लगती है कि ऐसा उन्होंने, वो नाम किसका, हरिओम, हरिओम है ना, हरिओम बंसल है कोई जी, उसका डाई हाउस है उसी में, ये तो खेलने के लिए गए थे बच्चे, ये तो छोटे 10-10, 11-11 वर्ष के बच्चे थे ना, वो पतंग के डोर, हाँ वो तो वो पतंग पुतंग उड़ाने के लिए बेचारे गए थे, 10-11 साल के, 10-10, 11-11 साल के बच्चे थे वो, ये इसमें जो है ना उनका मर्डर हुआ है, मर्डर करके उनको उसमें डाला गया। अब आप क्या मांग करते प्रशासन? बस प्रशासन से ये मांग है कि 302 में पर्चा दर्ज हो, और जो जो नाम उसमें शिकायत में दिए गए हैं सभी को तुरंत अरेस्ट किया जाए, FIR की नकल हमारे को दी जाए और दिखाई जाए, और उन आदमियों को जो अरेस्ट किए उनको हम लोग जाकर देखेंगे भी, 5-4 आदमी, और न्याय मिलना चाहिए, ये सारे गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे थी कि भाई बिंजोल गांव के तीन बच्चे गायब अपने घर नहीं पहुँचे हैं, तो हमने उनके पेरेंट्स के साथ जा कर के उनकी सर्च की, रजभाव में तलाश की, रजभाव में पानी कम करवाया तो देखा तो उसमें डेड बॉडी मिल गई थी, उनको ला करके उनका पोस्टमार्टम वजह मौत जानने के लिए हमने यहाँ लेकर के आए हुए हैं, जो भी नामजद जिन लोगों पर इन्होंने शक कर रहे हैं उनको राउंड अप कर रहे हैं। अच्छा, किस हालात में मिले थे बच्चों के? बच्चों के हालात ड्राउनिंग में मिले थे, जैसे बच्चा डूबे मर जाता है, कपड़े डाल रखे थे, कपड़े पूरे कपड़े थे उनके पास। सर इसमें क्या क्या धारा लगाई है, क्या जांच कर, जो भी इससे रिलेटेड सेक्शन जिन्होंने लगाई थी 365 वो हमने लगा दी हैं, और जो भी आगे पोस्टमार्टम के बाद जो भी कॉज ऑफ डेथ आएगा उसमें नेक्स्ट धाराएं इजाद की कर दी जाएंगी। कब जाएगा साथ लगते मालिक पर ही आरोप लगाया बच्चों ने, डाइंग हाउस के मालिक, हाउस के, ये उनका पक्ष है, जो भी होगा हम जांच करके जो भी मुलजिम होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।